वहीं लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज यानी शुक्रवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर जैसा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा, मैं 17 दिन से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं। मैंने कांग्रेस से कहा कि वो लिखकर बताए कि वो SC ST और OBC के आरक्षण में टुकड़े नहीं करेंगे। मेरे सवाल का कांग्रेस ने अब तक जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब कांग्रेस का हिडन एजेंडा आपके हक लूटना है। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी का मतलब दाल में कुछ काला है। नंदुरबार मध्ये माझ्या सर्व भावांना आणि बहिणांना माझा नमस्कार। मैं देव मोगरा माता की धरती को नमन करता हूं। मैं महान आदिवासी सेनानी राघोजी भांगरे को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। हम सबको प्रेरणा देने वाले जननायक कृष्णाजी राव साबले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनको भी आदरपूर्वक स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूं। साथियों, आज अक्षय तृतीया आखा तीज का शुभ पर्व है। मैं सभी देशवासियों को और खास करके मेरे किसान भाई बहनों को अक्षय तृतीया की बधाई देता हूं। आज भगवान परशुराम की जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को इस शुभ दिन की भी शुभकामनाएं देता हूं। और अक्षय तृतीया हो और इतने सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हो, अक्षय तृतीया के जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो भी अक्षय होता है।